ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल अपनी किताब की वजह से चर्चा में हैं। इस किताब में उन्होंने आईपीएल में अपने अनुभव शेयर किए हैं। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने पंजाब किंग्स में बतौर कप्तान अपने खराब अनुभव का जिक्र किया है। उन्होंने आईपीएल 2017 में टीम के मेंटोर और पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सहवाग को उन्होंने साजिश करने वाला शख्स करार दिया है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर के इन खुलासों ने क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया है। आइए जानते हैं पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में, पर उससे पहले आपको एक वेबसाइट गो लॉगिन के बारे में बताना चाहते हैं। गो लॉगिन इज बेस्ट ब्राउजर फॉर मल्टी अकाउंटिंग। गो लॉगिन इज द नंबर वन एंटी डिटेक्ट ब्राउजर फॉर मैनेजिंग मल्टीपल अकाउंट्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म सच एज फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ईबे, लिंक्डइन एटसेट्रा विद नो बैंस। तो दोस्तों, अगर आपको एक साथ जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि आपको फेसबुक के 3-4 आईडी अपने एक ही वेब पेज पे ओपन करने हैं, तो आप डिफरेंट टैब्स पे उसे ओपन कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो दोस्तों, इंतज़ार किस चीज़ का है, जल्दी से जल्दी गो लॉगिन पे जाइए और मल्टीपल अकाउंट्स यूज कीजिए। मैक्सवेल ने अपनी किताब में वीरेंद्र सहवाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, आईपीएल 2017 में जब मैं टीम का कप्तान था और वीरेंद्र सहवाग मेंटोर की भूमिका निभा रहे थे, तो मुझे लगा था कि हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे। मैंने इस बारे में उनसे बात भी की थी। टीम के मुख्य कोच अरुण कुमार थे, लेकिन मुझे समझ आ गया था कि टीम सहवाग ही चला रहे हैं। मैंने सभी कोच के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने को कहा था, लेकिन सहवाग ने मना कर दिया। बाद में उन्होंने उसी व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे निकाल दिया। मैक्सवेल ने कहा कि आईपीएल 2017 में लीग के आखिरी मैच में टीम 73 रन पर ऑल आउट हो गई थी। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीरेंद्र सहवाग ने इसका पूरा दोष मुझ पर डाल दिया था। मैक्सवेल के मुताबिक, मैंने सहवाग को मैसेज किया कि उनका बयान दिल दुखाने वाला है और मैं आहत हूँ, आज से आप मेरे रोल मॉडल नहीं हैं। इसके जवाब में सहवाग ने कहा कि मुझे आपके जैसे फैन की ज़रूरत भी नहीं है। मैक्सवेल लिखते हैं कि मुझे समझ आ गया था कि फ्रेंचाइजी के साथ मेरा वक्त ख़त्म हो गया है और मैंने ये बात टीम के मालिकों को भी बता दी। आपको बता दें कि अब मैक्सवेल आरसीबी के साथ खेल रहे हैं। दोस्तों, आपको मैक्सवेल के इन खुलासों में कितनी सच्चाई लगती है, या फिर ये वही पुराना गिमिक है अपनी बुक को सफल करने का जो ऑस्ट्रेलियाई हमेशा से करते आ रहे हैं।